ये ऐसा पास है जहाँ पर संसार में सबसे ज्यादा बर्फ पड़ती है, और जो खासकर आप लोग हैं मीडिया के भाई लोग, वो जानते हैं इसकी चैलेंजेस और किस तरह से अचानक यहाँ पर एवलांच भी आ जाते हैं। लेकिन वो 6 महीने हमारे लगातार पिछले 60 साल से चलते रहे। पिछले साल हमने ये निश्चय किया कि इसको 6 महीने को हम कम करेंगे, और पिछले साल हमने इस पास को केवल 110 दिन बंद रखा, तकरीबन 3.5 महीने, और उससे काफ़ी फायदे हुए, उसका हमने स्टडी भी किया, मैं आपको बताऊंगा। और इस साल हमने इसको 73 दिन में खोला, अभी जो आज है 73 दिन ही ये बंद रहा है, 4 जनवरी को हमने इसको खोल के रखा और आज इसको दोबारा से खोल रहे हैं। आज हमारे जो बहादुर कर्मयोगी हैं दोनों प्रोजेक्ट के, बीकन और विजायक के, उन्होंने एक करके दिखाया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके बारे में अब मैं आपको बताता हूँ इसका क्या क्या फ़ायदा हुआ सामरिक दृष्टि से और सोशो इकोनॉमिक एंगल से। सामरिक दृष्टि से यह है कि जो हमारे ट्रुप्स लद्दाख में डिप्लॉयड हैं उनकी जो एयर मेंटेनेंस होती है वो अब जितना जल्दी रोड से हो पाएगी, उससे उनको अपनी जो भी चीज़ें हैं फ्रेश है, उनके एम्यूनिशन लॉजिस्टिक्स जो भी रिक्वायरमेंट है वो जल्दी पहुंच पाएगी। और जो हमारे लद्दाख के निवासी हैं, आवाम है वहाँ पर, कारगिल के लोग हैं, उनको जो 6 महीने तक चीज़ें नहीं मिल पाती थी जो वैली से आती हैं, बहुत सारी चीज़ें, सब्जियाँ हैं, मेडिसिन हैं, बाकी ज़रूरी चीज़ें हैं, वो जल्दी मिल पाएंगी। तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। हमने पिछले साल भी जब इसको 110 दिन तक जल्दी से खोल दिया, उसके बाद में एक स्टडी की, और उस स्टडी से हमें मोटे मोटे तौर पर यह मालूम चला कि जितना जल्दी हम खोलते हैं तो उससे हमारे को एक दिन की कम से कम भारत सरकार को 7 करोड़ की बचत होती। तो पिछले बार हमने जो जल्दी खोला उसका हमें तकरीबन 400 करोड़ का हम भारत सरकार का पैसा बचा सके, जो हम एयर से चीज़ें भेजते हैं लद्दाख में, क्योंकि लद्दाख जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है।